कर हुँ। हुँ। सारी का टाइम खत्म हो चुका है और यहाँ किचन में बस बर्तन वगैरह समेटने आई हूँ तो यहाँ पे मैंने दो किस्म के चने भिगो के रखे हुए हैं और बस अब मैं लाइट ऑफ करती हूँ और जाती हूँ वक्त शायद नमाज पढ़े और मैं भी जाके नमाज वगैरह पढ़ती हूँ और साथ में जो डेली बेसिस में मैंने दुआएं पढ़नी है मैं अपनी जहाँ नमाज उठाती हूँ और साथ में जो बड़ी चादर होती है वो लूँगी और बस अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ उसके बाद मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वो जो बुक है और उसमें हर किस्म की दुआएँ हैं नमाज़ पढ़ने के बाद दिखाती हूँ ये है वो बुक और इसमें ये तो सूर्य फलक और चारों कुल वगैरह लिखे हुए हैं इसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लाह कुआ था बिल्ला इसके साथ इसकी वो तर्जुमा वगैरह वो भी लिखा हुआ है और साथ में इसमें एक ऐसी दुआ है वो कल मुझे वक्त बता रहे थे अब तो ज़लजिला आया था लास्ट टाइम तो वो अगर दुआ पढ़ते हैं ना दुआ पढ़ के सो जाते हैं और रात को अगर खुदा न खास्ता जलजिला आ जाता है और बंदे की डेथ हो जाती है उसी हालत में तो अगर वो दुआ पढ़ी होगी तो ये वाली दुआ है अगर ये दुआ आपने पढ़ी होगी तो आप सीधा मतलब जन्नत में जाओगे ये दुआ पढ़नी है इसके बाद सो जाना है अगर सोते हुए मौत आ जाती है तो जन्नत में जा सकते हैं तो फिर मैंने ये लाजमी मैं तो ये लाजमी पढ़ती हूँ ताकि फिर अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है इसके बाद ये तर्जुमा इसका नीचे लिखा हुआ है ये साथ, साथ आप लोग पढ़ते रहें मैं भी यहाँ पर पढ़ रही थी और बहुत खूबसूरत बुक है अबू ने दी थी तो ये संभाल के रखी हुई है वक्त पढ़ते रहते हैं तो फिर अब मैं भी पढ़ती हूँ और बस अब यहाँ पे नौ बजे का टाइम है सुबह का और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए तो बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट हमारा तो रोज़ा है उनका तो रोज़ा नहीं है खैर यहाँ पे मैं आई हूँ और सवैयाँ बनाऊँगी वो जो अम्मी बनाती थी ना हमारी ऑयल के साथ घी के साथ बनती है ये मक्खन के साथ बनती है तो बस यहाँ पे अब सिंपली वो ब्राउन वाली जो सवैयाँ हैं ना वो मैंने ले ली हैं और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी पैन में और साथ में मैंने ना शीरा बॉयल होने रख दिया था चीनी और पानी का उसमें बस वो जब बॉयल आ जाए ना शीरे को बस ये जो भुनी हुई थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन सवैयाँ होगी ना ये आप लोगों ने उसके अंदर डाल देनी है उस पानी के अंदर और उसको थोड़ा सा पकने देना है जब वो आ, थिक फॉर्म में आ जाए ना जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो समझे सवैयाँ रेडी हैं अच्छा इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे सफाई कर रही हूँ डेली बेसिस की जो सफ़ाई है वही कर रही हूँ और इसमें ये होता है कि अगर मैं डेली ना साफ़ करूँ ना तो वहाँ से विंडो ओपन होती है तो सीधा डस्ट यहाँ पे आती है फिर मैं इसलिए ना डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ ताकि ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े तो बस अब यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी ताकि टाइमली जो है ना मैं नमाज वगैरह पढ़ सकूँ दुआएँ वगैरह पढ़ सकूँ तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर रही हूँ और ये टूटी वगैरह जो होती है ना इसकी ये भी ना वॉश करो ना तो इस पर वाइट वाइट से निशान होते हैं अजीब से वो पानी खा रहा होता है या पता नहीं क्या और ये जो सिंक है उसके ऊपर भी वाइट वाइट से पानी के निशान होते हैं उसको जितना भी चमका लो ना मतलब ये अब मैंने सब साफ़ किया ना ये एक दिन रहेगा साफ फिर कल फिर करना पड़ेगा क्योंकि इसके पता नहीं पानी का इश्यू है यहाँ पे यहाँ पे देखें सिंक के ऊपर नजर आ रहा होगा व्हाइट व्हाइट निशान है ना पता नहीं पानी का इशू है या क्या अच्छा यहाँ पे मैं मीठा सोडा ले रही हूँ साथ में न, मैं नमक ले रही हूँ और नमक के साथ मैं लूँगी लिक्विड डिश वॉशर आप ले सकते हैं या फिर बर्तन धोने वाला साबुन ले सकते हैं या सर्फ भी ले सकते हैं तो यहाँ पे ले कर आपके पास ब्रश हो कोई भी हो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रश होता है वो जो बर्तन साफ़ करने वाला ब्रश मिलता है जिसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं इसको अच्छे से रगड़ो ना तो ये जो ग्रीस होती है ना इसकी लाइनिंग में नॉन स्टिक का जो पैन होता है इसकी लाइनिंग में ना अजीब सी ग्रीस फंस जाती है ऑयल की अगर हम लोग तेज आंच पे कुछ पकाते हैं तो फौरन से इसकी ये ग्रीसी सी कंडीशन हो जाती है लेकिन मैं इसको बहुत केयर करती हूँ मैं सेकेंड टाइम पे वॉश करी क्योंकि मेरे जो के बर्तन है मुझे फिर इनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है <laughs> तो फिर मैं ना इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ कि ये ना अच्छे से ग्रेसिस की निकल जाए और ये जो इसकी बैक साइड है ना ये मेरे ख्याल से मिटाले या सिल्वर की बनी होती है इसको भी मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ ये भी ऑयल की वजह से ही हुई है तेज़ आँच करो तो ऑयल नीचे बह जाता है या पता नहीं कैसे आ जाता है नीचे तो मैं इसको अच्छे से मिटा रही हूँ कि ये ख़त्म हो जाए और पहले जैसा हो जाए पेन खैर मैंने बहुत कोशिश की और मेरी कोशिश जो है ना वो रंग ले आई और यहाँ पे माशाल्लाह से चमक रहा है पैन मेरा और ये सेकेंड टाइम मैं इसको साफ कर रही हूँ फिर मैंने अगली बार सोचा था जब मैंने पिछली बार साफ किया था ना मैंने कहा अगली बार इसको यूज नहीं करूंगी दूसरे वाले बर्तन को यूज कर लूँगी अब फिर मैंने इसको यूज़ किया अब मैं सोच रही हूँ अब इसको साइड पर रख लूंगी अभी भी दूसरे वाले को यूज़ करूँगी खैर आज तो कोई ज्यादा करने को काम नहीं थे तो बस नमाज़ वग़ैरह दुआएं यही किया आज और नहीं तो बात के खाने ही नहीं ख़त्म हो रहे होते नाश्ता हो रहा होता है सुबह सात बजे फिर बारह बजे हो रहा होता है फिर दोपहर को तीन बजे जब ऑफिस जा रहे होते हैं तब हो रहा होता है फिर रात को फिर खाना हो रहा होता है शाम को चार पाँच बजे चाय हो रही होती है तो बस डेली डेली ना मतलब आज ऐसे लग रहा था कोई काम ही नहीं करने का सिर्फ बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया और कुछ ख़ास काम ही नहीं था खैर अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये टोपी ली हुई है वो जो बेबी की बेबी न्यू बॉर्न बेबी की जो टोपी होती है बहुत सॉफ्ट होती है ये ना बलाज को ना गिफ्ट आया था तो वो यूज़ नहीं हो पाया लेकिन मैंने कहा इसको किसी काम में लेके आती हैं तो वो सॉफ्ट था बिल्कुल तो उससे ना जो मेटल या गिलास मटेरियल की चीज़ें होती हैं ना वो अच्छे से साफ हो जाती है निशान नहीं होते उस पर सलार पता नहीं गिलास में डाल के क्या पी रहा है पानी अच्छा इसके बाद मैं आप लोगों को हैक बताती हूँ ये लस्सी की बोतल है और इसका जो ढक्कन है इसको मैं किस तरह यूज़ करूँगी ये जार है इसके अंदर अगर, अगर कोई चीज़ डालें ना इसका जो मुंह है वो छोटा है तो फिर इसके अंदर जब कोई चीज़ डालते हैं तो गिर जाती है चीज़ तो अब मैं इस ढक्कन को इसके ऊपर रखूँगी कैफ की तरह इसको हम यूज़ करेंगे इस ढक्कन को और इसके अंदर जब मैं मेथी दाना या कोई चीज़ डालती हूँ ना गिरती नहीं है नीचे तो ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी बोतल के ढक्कन को और मेरे पास तो कैफ है लेकिन मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए बता रही थी कि इस तरह कर सकते हैं लस्सी मैं आप वापस रख देती हूँ और ये जो उस दिन मैंने केक बनाया था ना ये वही ब्रेड के किनारे हैं तो इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के रख दूँगी और जब भी मैं कटल्स वगैरह या कबाब वगैरह बनाऊंगी तो उसकी जो टॉपिंग है वो करने के लिए मैं इसको यूज़ करूंगी मतलब मैंने उन किनारों को ज़ाया नहीं किया था मैंने उसका पाउडर बना के रख देना है और जब भी मैं कोई कबाब बनाऊंगी तो उस पर क्रम्स के तौर पे इसको यूज़ करूंगी तो, तो अब हो गया है इफतारी का टाइम और सलार उसके बाबा हम सब इफारी कर रहे हैं यहाँ पे और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है पता है नहीं क्यों हमारी फ़र्स्ट इफतारी है आज तो कुछ खास इंतज़ाम नहीं किया लेकिन ये है कि इन सारे रोजे अच्छे जाएंगे और मैं प्लान करूँगी जब मुझे मतलब इफ्तार स्ट्रीट इफतारी करनी होगी जब बनानी होगी फिर मैं वक्त को अपना प्लान बताऊंगी कि किस दिन इफतारी रखनी है या किस दिन देनी है सबको और यहाँ पे मैंने ना इतने मज़े का सालन बनाया था मैं आप लोगों को क्या बताऊँ जो वाइट कढ़ाही होती है न मैंने वाइट कढ़ाही ही बनाई लेकिन नए तरीके से बनाई इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की थी मैंने आलू ऐड किए थे गोल गोल काट के बारीक और साथ में धनिया इसमें गार्निश किया था इसके बाद मैंने अदरक वगैरह और बस बहुत ज़बरदस्त बना था साथ में चिकन के छोटे छोटे बोनलेस पीसीस थे इसके अलावा यहाँ पे मैं दूध गर्म करने आई हूँ लाइट यहाँ पे चली गई है मौसम बहुत ख़राब हो गया है एकदम से बिजली गरज रही है बारिश हो रही है फुल और इतने मोटे मोटे टिपके गिर रहे थे फिर आप लोगों को क्या बताओ इतना ठंडा ठंडा मौसम मतलब आज लाइट जा सकती है ना देखिए बहुत बहुत ज्यादा बारिश है बहुत ज्यादा बाकर के लिए उन्हें तो धुल जाएगी फोटो चलाओ 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 बिजली तेज तेज हो तेज हो गई ना बारिश बारिश इतनी हुआ है ना उससे भी मतलब इतनी तेज तेज बूंदे नीचे गिर रही हैं। फिर यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया और साथ साथ मैं चाय पी रही हूँ अब मैं यहाँ पे आई हूँ दूध को ठंडा करने के लिए बहुत ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा प्यार वेदर है और मुझे लगता है हमारे रोज़े बहुत अच्छे जाएंगे अल्लाह ताला ऐसे ही करम करे हम सब पे और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ठीक है अल्लाह हाफ बस एकदम से बादल बरस के ख़त्म बाय बाय बारिश बस गई थी ना ओहो उसके